الشيطان اللعين الرجيم وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المدير سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قربة الله رزق الذي لا انفصام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق البراء بجوده واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الله وبعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات सबसे पहले एक मोमिना के 40वीं की मजलिस है मोमिन किराम से इल्तिमास है कि ज़रा सा मिंबर से करीब हो जाएं आपकी क़ुर्बत की वजह से मेरी निकाहत दूर हो जाएगी सलवात हो जाए मुहम्मद वाले मुहम्मद एक मरतबा सूरह हम तीन मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर मरहूमा मग़फ़ूरा इज़्ज़त जहाँ ज़ौजे जनाब सैयद हसन साहब इशार फरमा दें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व बस व मा मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलावत भेजे मुहम्मद व आलि मुहम्मद जो शय बहुत ज़्यादा ज़ुहूर रखती है तो वो खफा में आ जाती है जितना उसका ज़ुहूर हो उतनी ही वो खफा में आ जाती है उन्हीं में से एक शय मौत है मौत का यकीन सबको है हत्ता कि जिनको वजूद बारी ताला पर शक है उनको भी मौत पर यकीन है इतना ज़हूर है इसके बावजूद मौत इतनी खफा में चली गई कि परवरदिगार आलम बार बार कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत क्यों जब शय बहुत करीब होती है तो वो दूर भी हो जाती है मिसाल के तौर पर आप कुरान लेके पढ़िए ऐसे तो आप पढ़ लीजिएगा ये कुरान आपकी आँखों से एक फीट दूर है जितना इसको करीब लेते जाइएगा उतने ही कुरान के की तहरीर ख़त्म होती जाएगी यहाँ तक कि आपको कुरान को बिल्कुल आँखों में लगा लीजिए अब पढ़िए बहुत करीब है
बहुत करीब है, इससे ज़्यादा करीब नहीं हो सकता, लेकिन अब आपको कुरान समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से अजहर मौजूदात वाजिबुल वजूद है, अजहर मौजूदात वाजिबुल वजूद है, और चूंकि बहुत अजहर में आ गया लिहाजा वो निगाहों से ओझल हो गया। इसी तरीके से अजहर मौजूदात में मौत है, कहा गया खलकल मौत वल हयात, हमने मौत को भी पैदा किया है और हयात को भी। तो मौत भी मौजूदात आलम में से एक वजूद है। हर इंसान को वादिय मौत से गुजरना है, इसमें किसी के लिए इस्तिस्ना नहीं है। यहाँ तक कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वादिय मौत से गुजरना नहीं पड़ा। इरशाद हुआ इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यतून, पैगंबर तुमको भी वादिय मौत से गुजरना है, तुम्हारी उम्मत को भी गुजरना है। तो ये वादी बड़ी खतरनाक वादी है, वादिय मौत, जिसमें जलजला पैदा करने वाला मैदान है। फलासफा ये इस्लाम ने जब मौत का नक्शा खींचा है तो मौत कैसी होती है, तो फरमाते हैं कि जिस इस जिस्म में मादी से रूह निकलती है तो जिस्म को कितनी तकलीफ होती है, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कांटेदार दरख्त हो, खारदार दरख्त हो, और उस पर रेशम का कपड़ा डाल दिया जाए और उसको झटके से खींचा जाए तो रेशम के कपड़े के तार तार हो जाते हैं। ऐसे ही है जब रूह निकलती है तो जिस्म का एक एक हिस्सा तार तार हो जाता है। ये कैफियत है। कुरान करीम इसी को पेश कर रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर ज़िहयात को मौत का जायका एक न एक दिन ज़रूर चखना होगा। तो मौत हर इंसान चखता है, इसीलिए कहा गया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत का जायका बड़ा अच्छा है, इसलिए लफ्ज़ जायका अच्छा, अच्छी सिफत है, अच्छी चीज़ों के लिए लफ्ज़ जायका इस्तेमाल होता है, ख़राब चीज़ों के लिए लफ्ज़ जायका इस्तेमाल नहीं होता। और कुर्दी ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका बड़ा अच्छा है, मगर ये इंसान बकबख्त है कि इसने इस अच्छे जायके को तर्ख बना दिया है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। फी हद जाते, अगर इसमें कोई मिलावट ना हो तो मौत का जायका बड़ा अच्छा है, जब मिलावट हो जाती है तो जायका मिलावट के हिसाब से बदलता रहता है। अब मौत में आपने कितनी मासियत की मिलावट डाली है उसी हिसाब से मौत का जायका सख्त होगा, कड़वा होगा, तर्क होगा। अच्छा, ये दुनिया
जो है ये तहकीकात की बुनियाद पर कोई नतीजा पैदा करती है। तहकीकात, अब देखिए कोरोना के सिलसिले में एक साल से तहकीक हो रही है कि इसको दफा करने का इलाज क्या होगा, तहकीक हो रही है। तो तहकीक के बाद जब इंसान किसी नतीजे पर पहुंचता है तो उसका रिजल्ट आता है, जब नतीजे पर पहुंचता है। मौत के मुतालिक हमने सोचा कि हम तहकीक करें कि मौत का जायका कैसा है, तो इस मादी दुनिया में किसी चीज़ की तहकीक करने का वाहिद रास्ता रिसर्च है। मौत पर रिसर्च की जाए तब हम समझेंगे कि मौत का जायका कैसा है, और रिसर्च करने के लिए ज़रूरत है कि हमारे पास कोई बॉडी हो और उस बॉडी पर हम रिसर्च करें। ये बॉडी वो मुर्दे वाली बॉडी नहीं, जिंदा इंसान की बॉडी, उस पर हम रिसर्च करें कि मौत का जायका कैसा होता है। हमने इंजेक्शन लगाया कि उस पर मौत तारी हो, और मौत तारी हो तो आके हमें बताए कि मौत का जायका ऐसा होता है। तो जो मौत को चख लेता है वो वापस नहीं आता कि आकर बताए, तो हमारी तहकीक तो अधूरी हो गई। अब हम बता नहीं सकते कि मौत का जायका कैसे होता है। इसलिए कुरान करीम ने सूरह बकरा में कहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तकीन, और आगे क्या है याद नहीं है आपको, मैं तो बूढ़ा हो गया। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, कुरान उन मुत्तकियों की हिदायत करता है जो गैब पर ईमान रखते हों। गैब का मतलब ये है कि हम रिसर्च करें किसी नतीजे पर ना पहुँचें, गैब के हवाले से नतीजे पर पहुँच जाएं। तो अल्लाह गैब है, उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन जो अल्लाह पर ईमान ले आए तो ये दाखिल हो गया अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब पर। यही बिलगैब जो गैब पर ईमान रखते हैं, गैब के ज़रिए से उनको इल्म हो सकता है कि मौत का जायका कैसा हो। और जो आलिम बिलगैब होते हैं वो मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं, लिहाजा रवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम से हमें मिलता है कोई फलसफी, कोई डॉक्टर मौत का जायका मुअय्यन नहीं कर सकता, मगर अइम्मा मासूमीन ने फरमाया है अपने बच्चों से सवाल करके, या बुनैया कैफा इंदकल मौत, इमाम हुसैन ने शब आशूर जनाब कासिम से सवाल किया, बेटा मौत का जायका कैसा है, जवाब दिया अहला मिन असल शहर से ज़्यादा शीरीन। सलवात है रहमान, एक और दुरूद भेजें। तो ये इस्लाम है जो बता सकता है कि मौत का जायका कैसा है। यही इस्लाम जब अपनों का तज़किरा करता है
तो अपने जवाब देते हैं अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा शीरीन। लेकिन जब गैरों का तस्करा आता है तो मासूमीन ने बताया है कि जब हमारे दुश्मन के जिस्म से रूह निकलती है तो ऐसा ही होता है कि जैसे जिंदा इंसान को कैंची से काटा जाए तो एक एक रग के कटने पर वो चीखता है। ऐसे ही हमारा दुश्मन जब दुनिया से जाता है। वालेकुम सलाम। तो उसे तकलीफ होती है। मंतकी एतबार से दो हाल से खाली नहीं, मंतकी एतबार से दो दो चार होता है या तीन होता है, दो दो चार होगा। इसको कहते हैं मंतिक, लॉजिक। इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हर साहिबान अक्ल से ताल्लुक है। किसी मजहब व मिल्लत का हो तो दो दो चार होता है, पांच नहीं होता, तीन नहीं होता। अब कोई हरदर्मी में कहे तो हरदर्मी वाले से तो मुबाहला किया जाता है, उससे बहस नहीं की जाती। तो लॉजिक के एतबार से दो हाल से खाली नहीं है। इसी तरीके से लॉजिक के एतबार से हजरत अली के सिलसिले में वो भी दो हाल से खाली नहीं है, तीसरी कोई सूरत नहीं है, है ना। याली का दुश्मन है मरने वाला, याली का दोस्त है, तीसरी सूरत बताइए। आप कहें कि ना हम दुश्मन हैं ना दोस्त हैं, हम न्यूट्रल हैं, ये यहाँ नहीं चलेगा। हम पूछें आप अली से मोहब्बत करते हैं या अली से बोझ रखते हैं, दो हाल से खाली नहीं है। इसी तरीके से मौत का जायका दो हाल से खाली नहीं है। अगर आप तजिया कीजिए, या मौत बहुत कड़वी है या मौत मीठी है, तीसरी से शक नहीं है ना। या मौत मीठी हो या कड़वी, दोनों की मैं मिसाल दूंगा। एक सलवार भेजा मोहम्मद वाले, पानी आप पीते हैं ना, पानी तो पानी की माहियत में शीरनियत है। पानी फी हद ज़ाते शीरीन होता है, उसकी माहियत में, उसकी हकीकत में शीरनियत होती है। मगर हम दुनिया में देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पानी मीठा लगता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पानी कड़वा लगता है। दर हकीकत की पानी की माहियत में जलाल है, लताफत है, शीरनियत है, फिर इनको कड़वा क्यों लग रहा है? तो तहकीक से पता चला कि इन्होंने अपना मिजाज खराब कर रखा, इनको नजला हो गया। तो नजले वाले को हकीकत नहीं मालूम होगी, उसको मीठी चीज भी कड़वे लगती है। सरवाद भैया मोहम्मद वाले। हकीकत मौत मिठास है, लेकिन जिन्हें नजला लग गया हो
उनको मिठास का एहसास नहीं होता, वो तो पानी पिएंगे थूक देंगे, बड़ी कड़वी से है। तो हकीकत है आप लताफत है, बरूदत है, शीरनीयत है, जिनको नजला हो गया उनके लिए कड़वाहट है। इसके अपोजिट एक मिसाल दें, जहाँ हकीकत कड़वाहट है, हकीकत कड़वाहट है। मसलन तंबाकू नोशी, तंबाकू नोशी, तंबाकू की हकीकत क्या है? कड़वापन। तंबाकू की हकीकत क्या है? कड़वापन। लेकिन जो तंबाकू नोशी का आदि हो गया है उसे ये धुआं मीठा लगेगा। जो आदि नहीं है वो हकीकत को दर्द कर लेगा कि कड़वा है। जो आदि है उसके लिए कड़वाहट शीरीन बदल जाएगी। तो मौत भी ऐसा ही है, मौत एक हक है। हक का जो आदि है उसके लिए कड़वाहट शीरीनी में बदल जाएगी। जो हक का आदि नहीं है उसके लिए कड़वा ही कड़वा नजर आएगा। तो अब आप हक की फेरिश बना लीजिए। फेरिश है ना? अरे भाई आप फेरिश पढ़ते हैं, मैं तो सिर्फ तवज्जो दिला रहा हूँ। हक की फेरिश आपके पास है? नहीं, कब्रिस्तान में जाइएगा, वहाँ आपको हक की फेरिश नज़र आएगी। वहाँ जो तलकीन पढ़ता है वो हक की फेरिश मुर्दे को याद दिलाता है। मौत हक है, मीजान हक है, नमाज हक है, रोज़ा हक है, ज़कात हक है। तो दुनिया में जो इन हकीकतों पर चलता रहा तो इन हकीकतों का आदि हो गया। जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहा तो नमाज हक है, इसका आदि हो गया। हर साल रोज़ा रखता था, रोज़ा हक है, इसका आदि हो गया। जब मौत आएगी तो मौत भी हक है। जब हक का आदि जिंदगी भर रहा, सलावत पर मोहम्मद व आलिह, तो जो आदि हैं हकीकतों पर चलने वाले उनके लिए हर तल्ख शीरीन हो जाएगा, इसलिए कि वो आदि हैं। अलहक मुर्रन, अरबी का मकूला है। हक जो है बहुत तल्ख होता है, हक बहुत तल्ख होता है, इसलिए हक पर चलने वाले बहुत कम मिलेंगे। इमाम हुसैन के लश्कर में जब मक्के से चले थे तो हजारों थे, हजारों थे। और जब इमाम ने खुतबा शुरू किया है कि तुम लोग मेरे साथ जो चल रहे हो तो मेरा साथ देने में तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तो लोगों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया, लोगों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। वरना आप तारीख पढ़िए तो हज़ार से ज़्यादा लोग थे जो इमाम के साथ थे, लेकिन छोड़ते छोड़ते जब शबे आशूर आए तो सिर्फ 72 रह गए। मौत के लिए कोई तैयार नहीं होता। मौत एक ऐसी हकीकत है जबकि सबको यकीन है एक ना एक दिन मरना है,
मगर फिर भी मरने के लिए इंसान तैयार नहीं है। मरने के लिए कौन तैयार होता है? किसी को कहिए कि मर जाओ। अरे भाई क्यों मार रहे हो? अरे भाई थोड़ी देर के लिए मरना है, मर जाओ। उसके लिए भी इंसान नहीं तैयार होता है। इद्दा ये कि आप कोई मुआवजा दीजिए, तब एक्टिंग करता है मरने की, तब एक्टिंग करता है मरने की, वरना कोई तैयार नहीं होता। एक वाकया ऐसे ही गुजरा है अमीर मोमिन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। दुश्मनान अली ने यह तय किया कि ये जो अली अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं गैब का इल्म रखता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ, आज हम लोग ये फाश करेंगे कि अली को गैब का इल्म नहीं होता। ये कैसे फाश हो? तो एक साजिश की गई। और आप समझिए, जब साजिश में हुकूमत भी शामिल हो तो कितनी पायदार साजिश होगी। तवज्जो है ना, हुकूमत वक्त भी साजिश में शरीक हो। तो साजिश की गई, तो ये तय पाया किसी को मुर्दा बनाकर हज़रत अली से कहा जाए कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। और जब हज़रत अली नमाज जनाजा पढ़ लें तो हम इससे कहेंगे उठ जा, ये उठेगा तो हम कहेंगे कि आपने जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ा दी। यहाँ साबित हो जाएगा कि अली अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म नहीं होता। तो अब मुर्दा आए कहाँ से? तो एक जवान था जो जिसका स्क्रू थोड़ा सा ढीला था, उसको पकड़ रहा है कि तुम मुर्दा बनने की एक्टिंग करना। वो तैयार हो गया, लेके जाने लगे तो उसकी माँ को खबर हुई, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? कहा ये मुर्दा बनने की एक्टिंग करेगा। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बेटे को पकड़ लिया है? नहीं नहीं इसको छोड़ दो। तो मालूम हुआ कि कोई मुर्दा बनने की एक्टिंग के लिए भी तैयार नहीं है। तो खैर उस बूढ़ी माँ को समझा बुझा के तैयार किया कि भाई थोड़े देर की बात है, फिर इसे इनाम से नवाजा जाएगा। तो उसको राजी कर लिया। उसके बाद खबर आई कि फला शख्स के घर में फला जवान मर गया। अब लोग रोते पीटते हुए हजरत अली की खिदमत में आए, रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं, हाँ? किसके लिए? जो मरा नहीं है मरा कहकर पीट रहे हैं, यानी जो मरा नहीं है उसको मरा तसव्वुर करके रोया जाए तो जायज है। जायज है। तो खैर कहा किसका बेटा? कहा फना का बेटा। कहा अच्छा उसकी माँ को बुलाओ। उसकी माँ आई तो वो भी रोती हुई आई, या अमीन मुमीन मेरा बेटा गुजर गया, मैं बर्बाद हो गई, मेरा एक ही था देखने वाला, आप कोई देखने वाला नहीं है। कहा मर गया? कहा हाँ मर गया। कहा फिर गौर कर, फिर बता, वाकई तेरा बेटा मर गया? कहा हाँ मर गया।
जब तीन दफा मौला ने उससे इकरार ले लिया और वो कह रही है रो रो के, मौला मेरा बेटा मर गया, हमारी ख्वाहिश है आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मौला के सामने जब जनाजा आया तो मौला ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ना शुरू की। पहली तकबीर, लोग खुश थे कि अभी ये उठेगा। दूसरी तकबीर, नहीं उठा। तीसरी तकबीर, नहीं उठा। आखिरी तकबीर, नहीं उठा। तो खुद इन लोगों ने उठाने की कोशिश की तो जो जिंदा था वो अब मुर्दा हो गया। जहाँ साजिश रची गई थी कि हजरत अली के लिए हम ये साबित करें, वो पर्दे के नीचे क्या है वो नहीं जानते, तो गैब की बात क्या जानेंगे। तो अमीर मोमिन अलैहिस्सलात वस्सलाम ने उसकी माँ से पूछा, उसकी माँ ने तड़प के कहा कि मर गया है। तो अमीर मोमिन जिंदा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। जब माँ ने इकरार किया और अमीर मोमिन खड़े हो गए तो जो जिंदा था वो मुर्दा हो गया। तो मालूम हुआ जो अली से दुश्मनी रखता है वो जिंदा होगा तो मुर्दा कहलाएगा, और जो अली से मोहब्बत रखेगा वो मुर्दा होगा तो जिंदा कहलाएगा। सलवात बजर मोहम्मद वाले। एक और सलवार भेजें। अच्छा, जो मुर्दा होता है उससे कोई बात नहीं करता, करता है? मुर्दा से कोई बात नहीं करता, लेकिन हम अपने मुर्दों से बात करते हैं। बात करते हैं या ना? इस्माइल फम, ये इस्माइल फम किससे कहा जाता है? जो समझने की सलाहियत रखे उससे कहा जाता है। सुन तू समझ तू, जो सुनने की ताकत रखता है, समझने की ताकत रखता है तो उससे हम कहते हैं सुन तू समझ तू। हम तलकीन में तो यही पढ़ते हैं, इस्माइल फम या अब्दुल्लाह इस्माइल इफहमी या मतल्लाह, एक कनीज खुदा और समझ मैं क्या कह रहा हूँ। इज़ा अताकिल मलकान इल मुकर्रिबान, जब तेरे पास दो फरिश्ते आए, फला तखाफी, डरना नहीं। बेटा, इम्तिहान गाह में जा रहे हो, जब इम्तिहान आए तो डरना नहीं। बाप बेटे से कहता है जब इम्तिहान लेने वाला आए तो डरना नहीं, जम कर जवाब देना। तो ऐसे हम कहते हैं कि डरना नहीं। अगर वो ये सवाल करे तो उसका ये जवाब है, ये सवाल करे तो उसका ये जवाब है, ये बात पूछे तो उसका ये जवाब है। सलवात बजर मोहम्मद वाला। तो मालूम हुआ कि मौत आई तो हयात शुरू हुई। असल हयात यही है जो मौत के बाद आती है। रवायात मासूमी में भी आया है, जब इंसान पर मौत तारी होती है तो वो मुतनब्बे होता है। इसका मतलब ये है कि मौत आने से कब्ल वो गाफिल था, मौत आई फतनब्बा, तो वो मुतनब्बे हो गया, उसको मालूम हो गया कि अब
इसके बाद अब हकीकत हयात शुरू होती है। अब इसके बाद हकीकत हयात शुरू होती है। देखिए, जब तक मौत नहीं आई थी तो कुरान करीम में इरशाद है, तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क वहुवा अला कुल्लि शयइन क़दीर, खलक़ल मौत वल हयात, उसने मौत को भी पैदा किया, खलक़ल मौत वल हयात, उसने मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। पहले उसने मौत को पैदा किया, हयात को बाद में पैदा किया, तो उसका मतलब क्या कि जिंदगानी है बशर में पहले मौत है बाद में हयात है ना। तो आज जो ये दुनिया में जिंदा हैं, ये कौन सी जिंदगी है? ये कशमकश की जिंदगी है। ये जिंदगी ये हकीकी नहीं, ये कशमकश की जिंदगी है। अब आप इसको तज्जिया कीजिए। मसलन ये हयात दुनियावी, आप 80 साल रहेंगे, जिस वक्त आप पैदा हुए थे उस वक्त आपकी उम्र 80 साल तक जाएगी, एक साल के बाद, अब 80 साल नहीं है, एक साल कम हो गया ना, 10 साल के बाद अब 70 साल है, तो 10 साल कम हो गया ना। हर रोज जो गुजरता है हयात और मौत की कशमकश में गुजरता है, पता नहीं कब मौत तारी हो जाए, तो हयात और मौत का कोई तायुन नहीं है, कशमकश में है। हो सकता है हम जिंदा रहें, हो सकता है हम मर जाए, हो सकता है जिंदा रहें, हो सकता है मर जाए, ये कशमकश है ना। लेकिन जब मौत तारी हो गई तो कशमकश खत्म हो गई, मौत अब मर गई, अब हयात ही हयात है। सलावत भैया मोहम्मद वाले। मौत मर गई, अब हयात ही हयात है। ओ, जब हयात ही हयात है और इंसान अगर मर गया तो आप मुझे माफ कीजिएगा, जो मर जाता है वो जन्नत में नहीं जाता है। कभी सुना है कि मुर्दा जन्नत में जाए? अरे जनाब, अगर मुर्दा जन्नत में जाए तो जन्नत मुर्दा खाना हो जाएगी। कुरान ने कहा लहया दारुल हयवान, ये जिंदा लोगों की जगह है, ये मुर्दों की जगह नहीं है। दारुल हयवान जिंदा लोगों की जगह है। अब आपका फरीजा है कि आप जिंदा होकर जाए। ये जिंदगी कहाँ से मिलेगी? आले मोहम्मद के दरवाजे से मिलेगी। सलावत भेजे अरमान। अब हदीस शरीफ, पैगंबर सलाम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, यही तो बताया ना। हसन हुसैन से बड़ा मर्तबा अमीर मोमिनीन का है। हम मानिए तो कोई हदीस नहीं मिलती। आप जरा गौर कीजिए कि जो ये कहे, रसूलुल्लाह ने फरमाया इमाम हसन इमाम हुसैन बच्चों के सरदार हैं जन्नत में, कोई हदीस मिलती जिसमें ये कहा जाता है वो बच्चों के हैं,
तो अली जवानों के हैं, रसूलुल्लाह बूढ़ों के हैं। सलवार लिया मोहम्मद वाले नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ ये मिलता है हमारे यहाँ हदीस में, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा अफ़वलु मिन्हुमा, और इनके इन दोनों के दो बुजुर्ग बाप इनसे अफजल हैं। सलवात बेजर मोहम्मद वाले यानी हज़रत अली और पैगंबर इस्लाम, अबू हुमा इन दोनों के बाप अफ़ज़ल मिन्हुमा, इन दोनों से अफ़ज़ल। तो अब हदीस जो गढ़ी गई है उसका तज़्ज़िया कीजिए। उन्होंने गढ़ा कि बूढ़े भी तो जन्नत में जाएंगे, क्या ख्याल है? हज़रत हमज़ा सैयदुश्शोहदा जन्नत में नहीं जाएंगे? सैयदुश्शोहदा जन्नत में जाएंगे तो रसूलुल्लाह के चचा से बहुत बूढ़े थे, तो लिहाजा जब हसन हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना हैं तो हदीस गढ़ी गई फलां बूढ़ों का सरदार होगा। अरे फलां बूढ़ों का सरदार होगा तो बूढ़ों में रसूलुल्लाह हैं या नहीं हैं? तो रसूल से अफजल हो गया ना, उसे कहते हैं दुरोग गोरा हाफिजा ना बादशाह, झूठ बोलने वाले के पास हाफिजा ही नहीं रहता। अब दिक्कत ये है कि उनके यहाँ जवानी का नुस्खा नहीं है, अब जब जवानी का नुस्खा नहीं है तो मजबूर हो गए हदीस गढ़े। हमारे यहाँ तो जवानी का नुस्खा है, कुरान ने दिया है, सलवात हो जाए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब आप सूरह यूसुफ की तफसीर में जाइएगा तो मुफस्सरीन ने लिखा है कि जिब्रील अमीन आए और जनाब यूसुफ पर वही नाजिल हुई कि जुलैखा से अक़्द करें। तो जनाब यूसुफ ने कहा जिब्रील जुलैखा तो हमारा कुफो नहीं है, वो बूढ़ी है हम जवान हैं। एक जवान लड़की की एक बूढ़े शेख से शादी कर ली जाए दुबई से, यहाँ पूरी हुकूमत दुबई पर हमला कर देगी। अभी चल रहा हैदराबाद का एक केस है ना, तो जवान का कुफ बूढ़ा या बूढ़ी नहीं हो सकती। ये जनाब यूसुफ सिद्दीक ने जिब्रील से कहा, अल्लाह तक पैगाम गया, कहे यूसुफ सिद्दीक हम उसे तुम्हारा कुफो बना देंगे और उसका बुढ़ापा जवानी से पलटा देंगे। कहा ये कैसे होगा? ये हमारी कुदरत है, उस जुलैखा ने आपको देखा मगर मेरे हबीब को नहीं देखा। जब उसके सामने मेरे हबीब का तज़किरा आया तो जुलैखा ने कहा, ए यूसुफ अब मेरे दिल में तेरी मोहब्बत नहीं है, उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत।
जब मोहम्मद की मोहब्बत आई तो बुढ़ापा जवानी से बदला। लफ्जों को बदल दूं, जब तक अंबिया की मोहब्बत थी जवानी बुढ़ापे में ढलता गया, इधर मोहब्बत की मोहम्मद की मोहब्बत आई बुढ़ापा जवानी से बदला। तो कुरान ने तफसीर में बताया कि जब मोहम्मद की मोहब्बत आती है तो बुढ़ापा जवानी में बदलता है। इसीलिए जब आले मोहम्मद कब्र में आएंगे तो यहाँ कोई बूढ़ा नहीं रहेगा। यहाँ जब गैब यानी मोहम्मद को नहीं देखा, अनवार पंजतन की ज्यारत नहीं की, अनदेखे में ईमान ले आई तो जवानी मिल गई। तो जो इन अनवार तैयबा की ज्यारत करेगा तो जवानी आएगी, और जो जवानी आएगी तो ये जवान होकर जन्नत में जाएगा। कड़वा बस अजीजा ने गिरानी, एक मोमिना के चालीसे की मजलिस है और अय्याम फातिमिया भी चल रहा है। तो इस मुनासिबत से अर्ज करूं, जनाब पैगंबर इस्लाम के साथ यहूदियों ने साजिश की और शमून यहूदी के की बेटी की शादी थी, उस तकरीब में शमून यहूदी ने पैगंबर इस्लाम के घर जाकर पैगंबर से गुजारिश की, या रसूलल्लाह मैं अपने लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, मेरी बेटी की शादी है, इस शादी में आप अपनी बेटी को भेजिए मेरे घर, ताकि मेरे घर में आपकी बेटी के कदम पहुँचे तो उससे बरकत हासिल करें। ये तो लफ्ज़ों में कहा गया, असल मंशा कुछ और था। असल मंशा ये था कि मुसलमानों का इतना बड़ा रसूल जिसकी बेटी के कपड़े पैवंद के होते थे, वो जब हमारे यहाँ शादी की तकरीब में आएगी तो हम लोग इस्लाम का मजहका उड़ाएंगे, हंसी मजाक करेंगे कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम लेके चलने वाला शख्स, उसकी बेटी 72 पैबंद किए लिबास पहन कर आई है। ये था असल प्रोग्राम। ये तो साजिशी कौम है, आज भी साजिश करती रहती है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं अपनी बेटी से मालूम करके तुम्हें बताता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने सैयदा से मालूम किया कि बेटी शमून के घर में एक शादी है, वो लोग तुम्हें उसमें बुला रहे हैं, तुम्हारी रजा क्या है? कहा, या रसूलल्लाह आपकी रजा मेरी रजा है। तो रसूलल्लाह ने कहा ठीक है, हाँ मेरी बेटी जाएगी, तारीख बता दो। जब सैयदा राजी हो गई तकरीब शादी में जाने के लिए तो मशीयत भी मचली, और मशीयत ने कहा मेरी कनीज खास जाएगी,
तो मैं एहतमाम करूंगा। कुदरत ने एहतमाम का जिम्मेदारी ली और जब वक्त मुकर्ररा आया, बेहिश्त से हूरें आईं और हूरों ने आके फातिमा को सजाया, और जब हूरों ने फातिमा को सजाया है तो जन्नत के हुर्रे आए, जन्नत के लिबास आए, और फातिमा को डोली में बिछाया गया। अब ये डोली जब शमून के घर में पहुंची है और फातिमा उस डोली से उतरी हैं, तो ऐसा मालूम हो रहा था कि जन्नत की कोई दुल्हन आ गई है। और उसके नूर की शुआएं ऐसी आई कि शमून की बेटी जो दुल्हन बनी हुई थी, उस नूर की शुआओं की ताब न ला सकी और इस दुनिया से चली गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस दुनिया से चली गई। पूरा मजमा जमा था इस्लाम का मधका उड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ मधका नहीं है, यहाँ तो आप सब रोने में बदल गया। हंसने वाली रोने लगी, सब रोने लगी। रोते रोते शमून की बेगम के दिल में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि हो ना हो ये शहजादी वो है कि जिसके कब्जे कुदरत में मौत और हयात है। जिसके कब्जे कुदरत में मौत और हयात हो। तो शमून की जौजा ने कहा, बीबी हम आपसे गुजारिश करती हैं कि आप इसकी जिंदगी लौटा दीजिए। ये यहूदन थी, इसके तहत शऊर में कहां से आया कि ये हयात दे सकती है? तो तहत शऊर में पहला मौजदा देखा तो आया, इनकी नूरानी झलक से मौत आ सकती है तो ये दुआ करें तो हयात भी आ सकती है। सरवार भैया मोहम्मद वाला जनाब सैयदा ने पूछा, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि तेरी बेटी जिंदा हो जाए? कहा, या बिन्त रसूलल्लाह, इससे बेहतर क्या होगा? तो जनाब सैयदा ने वजू फरमाया। वजू फरमाने के बाद मुसल्ले पर गईं। मुसल्ले पर दो रकत नमाज पढ़ा, नमाज शुक्राना, उसमें दुआ की, माबूद तूने इस कनीज को ये इज्जत बख्शी है, लिहाजा उस इज्जत को कायम रखने के लिए इसको हयात दे दे। सैयदा की दुआ मुस्तजाब हुई, दुल्हन कलमा पढ़ते हुई उठी। मर गई थी मगर कलमा पढ़ते हुई उठी। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने जब कलमा पढ़ा तो उसकी माँ ने भी कलमा पढ़ा, उसके बाप ने भी कलमा पढ़ा, 70 यहूदी मुसलमान हुए। हाँ,
उसने शुक्रिया अदा किया खातून जन्नत का, हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमारी बेटी को हयात दिया। सैयदा ने फरमाया था कि तुमने जिंदगी मांगी थी, हमने जिंदगी से सेवा दिया। तुमने जिंदगी मांगी थी, हमने आखिरत भी दे दी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। उनकी आखिरत भी संवर गई, अहले बहिश्त हो गए। जिंदगी मांगी थी, आखिरत भी दी। बस अजीजा ने गिरा दहमत तमाम। एक ये मकाम है जहां यहूदियों ने ये इज्जत दी फातिमा को, ये फातिमा कई एक दरबार में गईं। अब वक्त नहीं है कि मैं ज़्यादा तफसील में जाऊं। यहूदी दरबार में गईं तो सबको मुसलमान बना कर आईं। मैदान है नजरान में गईं तो नजरान को फतह करके आई, लेकिन जब दरबार में गई तो दरबार वालों ने क्या इज्जत दी। यही तो इज्जत दी जब दरबार से वापस होके आई और कब्र रसूल पर गई तो फरमाया या बता सुबह बता या मसाहिब। लोअन्ना सुबह तल्याम सिर न लया लिया, बाबा की कब्र पर फरियाद कर रही हैं शहजादी, ये बाबा आपके बाद आपकी बेटी पर इतने मसाहिब उठाए गए कि अगर वो रोशन दिनों पर पढ़ते तो शबेतार के मानिंद हो जाते। मैं कहूंगा सैयदा आप पर किसी ने ताजियाने नहीं बरसा। सैयदा आपके रुखसारे पर किसी ने तमाचे नहीं मारे। शहजादी आपको रोने से मना नहीं किया गया, मगर बीबी जरा उन असीरों की खबर लीजिए जिनके रुखसारे पर ताजियाने लगे, सकीना के फूल से चेहरे पर सिमर के तमाचे पड़े। शहजादी को उस दरबार में ले जाया गया जहां शराब की महफिल लगी हुई थी, यजीद शराब पी रहा था और हुसैन से खिताब कर रहा था, ए हुसैन तेरे नाना ने शराब को हराम करार दिया, मैं शराब पी रहा। वहां जनाब जैनब गई और जब जनाब जैनब दरबार यजीद से रिहाई मिलने के बाद मदीना आई है तो जनाब जैनब जब माँ की कब्र पर गई हैं तो फरमाया मादर गिरामी आप दरबार में गई थी मगर आप शराबी के दरबार में नहीं गई, ये आपकी बेटी शराबी के दरबार से वापस। उसे आलमुल्लज़ीन सलमु अय्यमुन इब्राहिम ज़हरा वाबीहा वबालहा वबनीहा वसिर्र मुस्तौज़फ़ीहा। इस मजलिस अज़ा इस ज़िक्र मोहम्मद आल मोहम्मद तसवाब मरहूमा मकबूरा इससे जहाँ की रूह को निशार फरमा
वो अपने जवार में जगाता फरमा, जवार में मासूम सलाम में उनके शरीक हयात को सब सिलवान अता फरमा, उनके औलाद को सब इनायत फरमा, उनके तमाम इज़्ज़ाकारी पर सब इनायत फरमा। बारे लाहा हम सब को तौफीक नेक इनायत फरमा। इस पुराशोब दौर में आज़म मोहम्मद के चाहने वाले जहाँ भी हों उनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। ये कोरोना की बीमारी से पूरी बशरियत को नजात फरमा। आले मोहम्मद के सदक़े में इमाम ज़माना का हमसे राजी फरमा। उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.